कैसे आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी ये डुग्गू को ना थोड़ा सा जुखाम हो गया है, तो मैं इसको आज नहला ही नहीं हूँ। बस थोड़ा सा इसको गर्म पानी से बस इसको थोड़ा सा पेड़ा धुला दिया है, तेल वगैरह लगा दिया है, तो थोड़ा सा जुखाम हो रहा है। हाय करो डुग्गू, थोड़ा थोड़ा जुखाम है, थोड़ा थोड़ा ना शरीर भी गर्म है, तो अभी इसको ठीक नहीं लग रहा है। तो अभी तो यहाँ पे जो है अभी मैं खाना बना रही हूँ। तो खाने में पहले मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो इधर मैंने एक तरफ दाल बिठा दिया है और एक तरफ चावल, तो बड़े पतीले में जो है चावल बन रहा है। और इधर बर्तन भी रखा पड़ा है, तो बर्तन मैं सुबह धो के, और बर्तन अभी मैं लगा ही नहीं हूँ दूसरे बास्केट में, बर्तन जो है ऐसे रखा हुआ है। और दाल को मैं अच्छी तरह धो ले रही हूँ 2-3 बार, उसके बाद जो है दाल को मैं पतीले में डालूंगी। और आज ना मैं पतीले में दाल बना रही हूँ क्योंकि पतीले का दाल ना कभी कभी अच्छा लगता है। तो रोज़ रोज़ कुकर का दाल, मतलब थोड़ा सा कुकर का दाल ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है और पतीले का दाल थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस मैं आज पतीले में दाल बना रही हूँ और इसमें बस नमक हल्दी डाल देती हूँ। और इसमें अभी ये 15-20 मिनट में ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं नॉर्मल तरीके से जो तड़का लगाती हूँ वैसे ही तड़का लगा लूँगी, बस हींग जीरा और सूखी मिर्ची डाल के। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है। तो वहाँ कल ना मैं मोमो चैलेंज लगाई थी तो बेटी के साथ, तो पहले आप वो चैलेंज देख लीजिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? तो अभी जो है मोमो चैलेंज हो रहा है माँ बेटी का। तो और बेटी को ना मोमो ज़्यादा पसंद है और मुझे ना थोड़ा मोमो थोड़ा कम पसंद है। तो ये ना बोल रही है कि हम जीतेंगे। तो अभी मोमोज हमने लिया है 6-6 मोमोज, तो इसमें 6 है, इसमें 6 है, और चटनी इसमें थोड़ा कम है और ये तीखा ज़्यादा खाती है तो चटनी ज़्यादा ली है। तो देखते हैं कौन जीतता है। क्या लगता है तुमको, कौन जीतेगा? वो देखा जाएगा बाद में, फिर वैसे तो मैं ही जीतूँगी। अच्छा, हाँ तुम जीतोगी? हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अभी जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गई और ये थोड़ा सा पहले खाई और चटनी जो है नहीं ख़त्म कर पाए क्योंकि चटनी बहुत तीखी है। और अभी आप देख सकते हैं मेरे आँखों में आंसू आ गए और ये ना बहुत आराम से खा गई। तो जीत गई है मनीषा और मैं थोड़ा सा के लिए हार गई हूँ। तो कैसा लगा मेरा ये चैलेंज वाला वीडियो? तो अगर आप सबको मेरी वीडियो, ये चैलेंज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।
तो देखा आप सबने हमारा चैलेंज वीडियो, तो मैं नहीं डाल रही थी ये चैलेंज वीडियो, तो मेरी बेटी जो है बोल रही थी कि मम्मी इसको डाल दो, तो फिर मैं डाल दी। और तो बस अभी मैं खाना बना रही हूँ, तो खाना मेरा बन चुका है, दाल चावल, और यहाँ पे जो है मैं भुजिया बना रही हूँ आलू और परवल की। तो पहले मैं परवल को इस तरीके से ऊपर ऊपर छील लेती हूँ, तो अगर भुजिया अगर बनाती हूँ ना मैं, तो ऊपर वाला जैसे छिलका होता है तो वो मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो मुँह में आता है ना तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो सब्ज़ी में तो कभी कभी मैं ऐसे डाल देती हूँ, बना लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं भुजिया बना रही हूँ, तो भुजिया का मैं छिलका निकाल लेती हूँ ऊपर वाला, तो बस उससे अच्छा लगता है। तो सारे मैं परवल को इसी तरीके से मैं छिलका जो है निकाल लूँगी। उसके बाद जो है मैं पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ, परवल को काट लूँगी। उसके बाद जो है मैं आलू को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी। तो मैंने ना परवल को अच्छी तरह से पहले एक बार धोई थी, उसके बाद जो है दो बार और धो ली। और आलू ना, जैसे आलू काटने के टाइम ना थोड़ा सा और मतलब थोड़ा गंदा हो जाता है, तो आलू को मैं दोबारा धोने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं अभी परवल और आलू को काट लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं कढ़ाई में तेल डाल के प्याज डाल देती हूँ। अगर आप सब इस तरह का भुजिया अगर बनाओगे ना, तो जैसे आप मैं तेल ली हूँ, तो आप सब अगर घी में बनाओगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और बस तो अभी मैं तेल से ही भून ले रही हूँ, और प्याज जो है हमारा भून चुका है, इसमें मैं परवल डाल देती हूँ। तो पहले मैं परवल को 3-4 मिनट तक मैं पका लूँगी, उसके बाद जो है मैं इसमें आलू डालूँगी, क्योंकि आलू जो है तुरंत ही पक जाता है और परवल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस अभी मैं धीरे धीरे करके परवल को 3-4 मिनट तक पका लेती हूँ ढक ढक के, उसके बाद जो है मैं इसमें आलू डालूँगी। बस अभी जो है मैंने आलू डाल दिया है, और आलू जो है लगभग 50% पक चुका है, तो अभी ये चिपक रहा है थोड़ा थोड़ा। और अभी मैं इसमें नमक और थोड़े थोड़े करके मसाले भी डाल देती हूँ। तो मसाले में जो वही रेगुलर के मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया और जीरा पाउडर, वही सब मैं डाल देती हूँ। और हाँ, मैं इसमें मिर्ची पाउडर भी डालती हूँ थोड़ा सा। तो बस अभी ये सब मैं डाल के और लगभग 2 मिनट और पकाऊँगी, और ये भुजिया जो है बहुत अच्छा लगता है बन के। तो दाल चावल और भुजिया आज के खाने में हम लोग का बना है। तो बस अभी आप देख सकते हैं भुजिया, और यही भुजिया अगर आप घी में बनाओगे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अभी जो है मैं रोटी भी बनाऊंगी, क्योंकि डुग्गू को अभी रोटी खिलाऊंगी, चावल नहीं खिलाऊंगी, उसको सर्दी जुकाम हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो है बच्चों को किताबें मिली थी, तो किताबें बच्चे देख रहे हैं कौन कौन सी किताबें मिली है। तो ये कोरोना के वजह से ना बच्चों का पूरा साल मतलब बर्बाद हो गया है, तो लगभग 6 महीना तो बर्बाद हो चुका है। और अभी 6 महीने में बच्चे पढ़ेंगे जितना पढ़ेंगे, अभी तो स्कूल पता नहीं कब खुलेगा, पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं किसी किसी का नाम ले लेती हूँ जिनका 16 तारीख को जन्मदिन है। तो गीता जी और नेहा राठौर जी, मुकेश बेहरा जी के बेटा का नाम ऋषि है, और स्नेहा ध्रुव जी, तो आप सबको मेरी तरफ़ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे जो है मैं सिर्फ 5 जने का नाम ले रही हूँ जिन्होंने ब्लॉग में नाम लेने के लिए कहा था। तो मीनू कुशाल किशोर जी, और सुमेरा सिमरन जी, अरमान जी, फरहार सेद जी, निशा सिंह जी। तो डियर, मैंने आप सबका नाम ले लिया है, तो जिनका जिनका नाम छूट गया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लूँगी। तो बस अभी जो है बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन सी किताबें मिली है, तो अभी बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद जो है कॉपियाँ लेनी पड़ती है, किताबें तो मिल जाती है, बस कॉपी वगैरह लेना है बच्चों का। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं और एक अच्छी नई वीडियो में। थैंक यू।